ये नहीं यहाँ पर। हाँ अब करो करो फू करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रत्ना विद सीनियर्स के एक नए ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से ही शुरू करते हैं। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। इतना दिन से बहुत कुछ हो रहा था मेरे साथ, लेकिन हाँ सभी समय नदी के पानी के तरह बहते रहता है, कभी अच्छा तो कभी कुछ प्रॉब्लम के साथ। देखिए आज ये पौधा आप लोग को दिखा रहे हैं ना, ये अजवाइन का पौधा है। और ये अजवाइन जो होता है ना, ये पौधा जो है इसमें आप ऐसे ही थोड़ा एक दो पत्ता चबा कर खाएंगे ना तो बहुत राहत मिलती है। तो इसीलिए हम ये मेरे दीदी के वहाँ से लाकर लगाए थे और ये बहुत अच्छा हो गया। सवेरे सवेरे थोड़ा पेड़ पौधों को देखने में बहुत अच्छा लगता है बोलिए, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मेरे अड़ूर का पौधा जो है बगान में पीछे भी है, लेकिन एक में भी फूल ठीक से नहीं खिल रहा है। पता नहीं क्यों यहाँ कुछ तो नहीं, पत्ता सब तो बहुत ही अच्छा है लेकिन फूल नहीं खिल रहा है। इसका भी थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा, ये भी थोड़ा ख़राब हो गया। लेकिन और एक देखिए ये छोटा सा, ये छोटा छोटा पौधा ना सब पे पत्ता कितना अलग अलग होता है। हम इंसान के तरह ही ना बहुत सारा अलग 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 सब होता है। ये तो बहुत अच्छा है, ये भी हुआ है। तो चलिए आज का दिन यहीं से शुरू करते हैं। आज जन्माष्टमी भी है तो जो कुछ भी कन्हैया के लिए बना पाएंगे कर पाएंगे करते हैं किशन भगवान के लिए। वो तो हमारे मतलब हम उनके क्या बच्चे हैं, बहुत प्यारा लगते हैं लड्डू गोपाल को। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। देखिए अभी हम आ गए हैं हमारे बोरिंग रोड चौराहा में। ये जगह तो आप लोग को सब कोई जान पहचान का ही हो गया है। कोई भी फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर सब दुकान सब ऐसे ही लग जाती है और बहुत सारा सामान भी मिलता है। और हम हमेशा बोलते हैं ना, हम लोग के इधर में बहुत ज़्यादा हॉस्टल सब है, तो लड़की सब जो रहती हैं गर्ल्स हॉस्टल के हम लोग तो पूजा करेंगे तो छोटा छोटा सामान भी लेने के लिए सब आते हैं। और इतना वैरायटी सामान है, इतना सुंदर सुंदर छोटा छोटा सामान, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग गणपति पूजा भी करते हैं ना तो तभी हम तो यहाँ से ही थोड़ा थोड़ा सामान अभी से ही इकट्ठा करना शुरू करते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब चीज़ मिलेगा। चलिए देखते हैं, हम भी कुछ खरीदारी करने के लिए ही आए हैं, कर लेते हैं फिर देखते हैं आपको। प्रसाद बनाकर जो भी हो पाया थोड़ा दिए, लेकिन जानते हैं कोई भी पूजा कीजिए मन का शांति सबसे बड़ी बात है। ये नियम वो नियम जो भी जितना भी नियम है, अगर आप मन से कुछ करते हैं ना उसके आगे कुछ भी नहीं। हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। भगवान को जिस भी रूप में जी ऐसे भी आप उनके पास खड़े हो जाइए आँख बंद करके, आप वो उसी रूप में वो दिख जाएंगे। लड्डू गोपाल का तो बात है अलग है, ये तो सबके घर में होगा ही, करीब करीब सबके घर में ही है। और इसमें अपने आप ही जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार किया जाता है वैसे ही प्यार आ जाता है। तो चलिए हम भी अपना पूजा किए हैं और जानते हैं आप लोग को और एक बताएं, मेरा एक घर में एक नटखट गोपाल भी आया है, दिखाते हैं। चलिए ये देखिए ग्रैंड चाइल्ड, ये बहुत ही एक अनोखा चीज़ है बोलिए। हम तो बोलेंगे आज का जेनरेशन में जो भी है अपने पेरेंट्स को अगर खुश रखना चाहते हैं
तो ज़रूर बच्चे अपने बच्चे लोगों को उनसे मिलने दीजिए, ये उनके बहुत खुशी की बात होगी। हम तो अभी बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं इसके साथ, छोटी छोटी पल बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में कुछ अच्छा कुछ नया आप लोग के लिए। तब तक आप लोग भी एंजॉय कीजिए, कृष्ण कन्हैया का पूजा कीजिए, लड्डू गोपाल को जो चाहे वो जो मन में है वही देकर पूजा कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे। देखिए ये छोटा छोटा चीज़ भी बहुत माने रखता है, बोलिए हम लोग के लिए धन मन सब ठीक हो जाता है, शरीर मन सब ठीक हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक सब अच्छे रहिए, बाय बाय।